वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो जिसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। मतलब आज हम जानेंगे कंपनी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, और हम कौन सी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर अपनी सेल्फ की कौन सी कंपनी को हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंपनी क्या है इस बारे में तो आपको मालूम है ना, और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। क्या जाना था कि कंपनी क्या है? कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ। संघ मतलब होता है यहाँ पर समूह, और ऐच्छिक का मतलब होता है इच्छा से बना हुआ कुछ व्यक्तियों का समूह जो मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम जानेंगे कि ऐसा समूह कितने टाइप्स का होता है। मतलब जैसे हमने व्यापार के बारे में पढ़ा था कि एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, तो ये सारे व्यापार हमने पढ़े थे कि प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सदस्य संख्या के आधार पर ये इनको अलग अलग बोला जाता था। जैसे एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति था तो उसे एकाकी व्यापार बोला, साझेदारी में दो या दो से अधिक थे तो उसे साझेदारी व्यापार बोला। इसी तरीके से कंपनी में भी मेंबर्स के आधार पर इसके टाइप्स अलग अलग हो गए। जैसे निजी कंपनी के कुछ मेंबर्स अलग है, तो जैसे निजी कंपनी में है ना कि कम से कम दो और अधिकतम इसमें 200 मेंबर्स है, तो ये निजी कंपनी हो गई। सार्वजनिक कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे और अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो सार्वजनिक कंपनी होगी। तो इन सदस्यों के आधार पर इनके टाइप्स थोड़े से अलग हो गए हैं, और कुछ इनके दायित्व के आधार पर। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनियां होती है। तो फर्स्ट यहां पर देखो, सीमित दायित्व वाली कंपनी, इसके बारे में क्या लिखा है? ऐसी कंपनियां जिनके अंशधारियों का दायित्व, अंशधारी कौन होते हैं? जो कंपनी के अंश को खरीदते हैं, ठीक है, तो उनका दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है, और ये अपने नाम के साथ सीमित शब्द का प्रयोग करती है। ऐसी कंपनियां जिनके अंशधारी, अंशधारी कौन? जो कंपनी के अंश खरीदता है, उनका दायित्व कितना है? उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक। एग्जाम्पल से देखो, जैसे यहां पर मोहन है, ठीक है, ये मोहन है, इसने क्या किया? XYZ की कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के इसने 100 अंश खरीदे, किस हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। मतलब यहाँ पे मोहन का दायित्व कितना है? 1000, लेकिन इसने कंपनी को कितने रुपए पे करे हैं? 7 रुपए के हिसाब से 700, और उसे कितने और पे करने हैं कंपनी को? 300। तो अब कंपनी को कभी लॉस हो जाता है, भले 3 लाख का लॉस हुआ हो, तो भी ये मोहन कंपनी को 300 रुपए ही देगा, क्योंकि इसका दायित्व कितना है? इसके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक। आ रहा समझ में? ऐसे अंशधारी जिनका दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक सीमित होता है, सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है, और ये अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, या सीमित दायित्व शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, असीमित दायित्व वाली कंपनी, इसका जस्ट ऑपोजिट के क्या है दिया है इसमें, कि इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी के विघटन की दशा में दायित्वों के भुगतान के लिए अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसी कंपनियां अब हमारे भारत में बहुत कम पाई जाती है, या सभी जगह ऐसी कंपनियां अब नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है समझो। इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आप इस कंपनी के अंश खरीद रहे हो, तो जितना आपको पेमेंट करना है अंश का वो तो आप दोगे ही सही, लेकिन कभी कंपनी को लॉस होता है या विघटन की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको हमें कुछ राशि और देनी पड़ेगी। अब वो कितनी राशि मांगेगी कंपनी, ऐसा इनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि या तो फिर जितना भी लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा सभी सदस्यों के बीच में, या फिर आपको 20% देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, ऐसे ही सबके बीच डिसाइड हो जाता है। आ रहा है समझ में? असीमित दायित्व वाली कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो
अपने खरीदे गए अंशों का भुगतान तो करती ही है, साथ ही कंपनी को कभी कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए भी जिम्मेदार रहती है और उसकी संपत्तियों को उपयोग में लेती है कंपनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोहन कंपनी को क्या कर रहा था, 300 रुपए तो दे रहा था, लेकिन अब ये असीमित दायित्व वाली कंपनी का मेंबर से, तो 300 रुपए तो इसे देना है, साथ में कंपनी को कभी कोई लॉस हुआ तो इसके साथ कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया हो कि कभी लॉस होगा तो आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा, या फिर जितना लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। क्लियर फ्रेंड, अगला देखते हैं। अगला अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या होती है, देखो ऐसी कंपनी जिसकी अंश पूंजी का 51% या इससे अधिक भाग केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन हो, अधीन मतलब उनके पास हो, ठीक है, सरकारी कंपनी कही जाती है। सरकारी कंपनी का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है, ठीक है, और ऐसी कंपनी को विभिन्न कानूनी प्रावधानों से छूट भी मिलती है। क्या है, ऐसी कंपनियां जिनका 51% भाग राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास होता है सरकारी कंपनी कहलाती है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी है, या इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस है ये भी एक सरकार के ऑथराइज्ड है, मतलब प्राइवेट है ही नहीं, ये सरकारी है। और उसके अलावा रेलवे लाइन का देखो, अभी तक अपन ने सुना है कि ये रेलवे लाइन का भी सारा अधिकार इस पर सरकार का ही है, लेकिन अब शुरुआत होने वाली है, एक ट्रेन चली है तेजस एक्सप्रेस हबीबगंज से, तो वो प्राइवेट हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रेलवे में भी प्राइवेट इन्वॉल्व होने लगी है, लेकिन अब तक तो इस पर पूरा अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का। अब अगला देखो, इसमें सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या है, भारतीय कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम क्या है हमारा 1956 की धारा 3(1) में 4 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। कहने का मतलब है निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 है, तो ऐसी कंपनी जिसमें 200 से अधिक सदस्य होंगे वो सार्वजनिक कंपनी होगी। ठीक है, ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है, मतलब जिसमें 200 से अधिक संख्या है, वो कौन सी कंपनी होगी, सार्वजनिक कंपनी। देखो कुछ विशेषता बताई गई है जिसके आधार पर अपन बता सकते हैं सार्वजनिक कंपनी कैसी होती है। फर्स्ट इसमें बोला गया है सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी बताई गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर 7, जैसे साझेदारी में पड़ी थी न्यूनतम संख्या कितनी 2, अधिकतम 20, बैंकिंग व्यवसाय में 10, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई थी 50। तो उसी तरीके से सार्वजनिक कंपनी में सदस्य संख्या है, सहकारी समिति में पढ़ा था कि 10 व्यक्तियों से शुरू होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें बोला गया है कि जो सार्वजनिक कंपनी है उसकी कम से कम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम सदस्य संख्या उनके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों तक सीमित रहती है, जितने अंश निर्गमित करती है उतने इसके सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई बाउंडेशन कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड देखो, सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित कर सकती है, अर्थात इसके लिए ये प्रविवरण निर्गमित करती है। अब प्रविवरण का मतलब होता है एक सूचना पत्र, है ना, जानकारी देने वाला एक पत्र प्रविवरण कहलाता है, और प्रविवरण हमेशा सरकारी सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही तैयार किया जाता है जो जनता को अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो वो अंशों के माध्यम से पैसा खरीदती है, ना सॉरी पैसा खरीदती नहीं है, कमाती है, या फिर वो बैंक से पैसा लेती है, या फिर वो जन निक्षेप प्राप्त करती है, मतलब जनता की जमा को प्राप्त करती है। ठीक है, फिर अगला देखो, इसमें सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, जितने चाहे उतने अंश ये निर्गमित कर सकती है और उतने बड़े पैमाने पर ये पैसा प्राप्त कर सकती है। फिर सार्वजनिक कंपनी जनता से निक्षेप आमंत्रित करती है, वही निक्षेप मतलब जमा, जनता की जमाओं को आमंत्रित मतलब उनको इकट्ठा करती है, और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी 5 लाख रुपए है। तो ये कुछ विशेषताएं बताई गई है, क्या बताई गई है,
ऐसी कंपनी जिनके कम से कम सदस्य संख्या 7, अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं। सार्वजनिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो क्या करती है, अपने अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध नहीं लगाती और जनता को अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, प्रविवरण जारी करती है जिसकी चुकता पूंजी 5 लाख रुपए है या इससे अधिक है, तो ये सारी हो गई सार्वजनिक कंपनी। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे इसके कुछ, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, मित्तल स्टील, विप्रो, भारतीय टेलीकॉम इत्यादि सार्वजनिक कंपनी के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इसमें जानेंगे हम निजी कंपनी के बारे में कि निजी कंपनी क्या होती है। ये जस्ट सार्वजनिक कंपनी के ऑपोजिट है। सार्वजनिक कंपनी में जैसे बोला सदस्य संख्या कितनी है, अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यहाँ अधिकतम पर प्रतिबंध है। वो अपने अंशों का निर्गमन करती है, जनता को आमंत्रित करती है, तो ये काम नहीं करती है, जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करती है, तो ये किसी प्रकार का प्रविवरण जारी नहीं करती, तो ये ऑपोजिट हो गई। जिसमें ये सारी विशेषता नहीं होगी वो क्या है, निजी कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(3) के अनुसार निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो अपने अंतरनियमों द्वारा क्या करती है, अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। फर्स्ट शर्त हो गई इसकी। सेकंड, अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखती है। पहले इसकी संख्या 50 थी कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 200 कर दी गई है। ठीक है, जैसे साझेदारी की संख्या क्या थी, 20 थी, फिर 200 की गई, फिर वापस से 50 कर दी गई, उसी तरीके से इसमें भी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या कर दी, सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 से 200 कर दी। लेकिन अब देखो उन 50 या उन 200 में से भी कौन इसके सदस्य होंगे या कौन नहीं होंगे। पहला लिखा है ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी है वो इसके सदस्य नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य भी थे या अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं, ये व्यक्ति भी क्या है, इसके सदस्य नहीं। एक तो जो कर्मचारी है वो इसका सदस्य नहीं बनेगा, ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी भी रह रहा है और सदस्य भी बनना चाहता है वो शर्त भी इसमें लागू नहीं होती है। फिर है अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती है, मतलब अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, तो ये 3 शर्तों का पालन करने वाली कौन सी कंपनी हो गई, निजी कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी जो अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, जो प्रविवरण जारी नहीं करती, जिसके अधिकतम सदस्य संख्या पर प्रतिबंध है, 200 से अधिक अगर इसके सदस्य संख्या होगी तो ये सार्वजनिक कंपनी हो जाएगी, तो निम्न शर्तों को पूरा करने वाली कंपनी निजी कंपनी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या लिखा है लास्ट में कि एक कंपनी को निजी कंपनी बने रहने के लिए उपयुक्त 3 शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने पर निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। फर्स्ट, ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। सेकंड, अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 200 है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और थर्ड, ये अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती है, मतलब उन्हें आमंत्रित नहीं करती है। अगर इन 3 शर्तों का पालन किया तो ये निजी कंपनी होगी और इन 3 शर्तों का पालन नहीं किया तो ये सार्वजनिक कंपनी में बदल जाएगी। यह कंपनी क्या होती है, साझेदारी और सार्वजनिक कंपनी का मिला जुला रूप है। इस कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है और इसे अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना आवश्यक होता है। क्लियर फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके से हमने जाना सीमित कंपनी, असीमित कंपनी, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। अब अगर आपको किसी भी कंपनी के पॉइंट्स में आपको डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।